बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सर। लेक्चर टू में हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ़ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, कि सर किस तरीके से हम अपने कॉस्ट को, अपने नॉन करंट एसेट को, अपने पीपी को सिस्टमेटिकली एलोकेट करते हैं। तो सर हमारे पास इसके दो मेथड होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल बात करें हम लोग, तो एक हमारे पास सर है टाइम बेस, सर एक हमारे पास है प्रोडक्शन बेस। टाइम बेस को अगर हम तोड़ें तो सर ये टूटता है 300 के अंदर, तो नंबर वन हम कहेंगे सर इसको स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन मेथड। इन शॉर्ट वी कॉल SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। सर सेकंड हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इन शॉर्ट वी कॉल RBM। सर थर्ड वी हैव सम ऑफ द पेयर डिजिट मेथड, इन शॉर्ट वी कॉल SYDM। देन उसके बाद सर प्रोडक्शन बेस की बात करते हैं। प्रोडक्शन बेस भी सर दो हिस्सों में आती है हमारे पास। नंबर फोर पे बात करूँ मैं तो प्रोडक्शन आर मेथड, PHM, एंड फिफ्थ वन इज यूनिट प्रोडक्शन मेथड। UPM। तो सर हम लोग 5 मिनट सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर, कि सर 5 तरीके से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। नंबर वन स्ट्रेट लाइन मेथड, नंबर टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नंबर थ्री सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, प्रोडक्शन आर मेथड एंड यूनिट प्रोडक्शन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन। ओके सर, अब हम बात करें फर्स्ट मेथड की सर, स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो सर इसका अगर फार्मूला देखो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करने का, इसका फार्मूला है सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। फार्मूला नंबर वन, तो सर फार्मूला क्या है, इसका कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो सर अगर लेट से मैं इसके लिहाज से सोचूं कि सर मैंने कॉस्ट सोचा, एक सवाल हमने एग्जांपल देखी कि सर कॉस्ट मेरे पास लेट से मैंने सर एक कोई गोला घंटे का ठेला खरीदा, तो सर उस की जो कॉस्ट है सर वो कितनी है, 5,50,000। सर उसको अगर लेट से मैं आज से 5 साल के बाद सर अगर बेचता हूँ तो सर वो कितने का जाता है लेट से, सर 50,000 का। और सर उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, सर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है हमारे पास, लेट से 5 ईयर्स। अगर सर मैं देखूं से बात करूं क्या है मेरे पास डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या आएगा, तो सर मैं कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्या बनता है सर, डेप्रिशिएबल अमाउंट तो मैं करूं माइनस, तो 5,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5,50,000 में से अगर मैं 5 लाख माइनस करता हूँ तो कितने बचे सर, 5 लाख। तो सर ये 5 लाख मेरे लिए क्या बन जाएगा सर, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाई 5। तो पर ये डेप्रिसिएशन कितना आया सर मेरे पास, 1 लाख रुपीज। तो सर स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि सर जितनी भी डेप्रिसिएशन आएगी ओवर द पीरियड वो सर एक स्ट्रेट लाइन पे मीन सर सेम आती जाएगी। अगर आपके पास रेजिडुअल वैल्यू चेंज ना हो, अगर आपके पास यूजफुल लाइफ चेंज ना हो, तो
अगर सर मैं इसको देखूं फॉर एग्जांपल, तो इसका अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, तो सर ग्राफ कैसे बन रहा होगा? बिल्कुल सर एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा होगा, मीन्स सर डेप्रिसिएशन स्ट्रेटली आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूँ, तो सर ये ईयर वन की बात हो रही थी 1 लाख रुपये। अगर सर मैं ईयर टू पर मैं अगर आता हूँ, तो सर अगर ईयर टू में अगर मैं देखूँ, तो सर ईयर टू में मेरे पास जो है 5,50,000 थे। तो सर 5,50,000 में से अगर मैं 1 लाख यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी, सर मैं 1 लाख अगर यूज़ कर चुका हूँ, तो सर मेरे पास बची कितनी सर अभी है? 4,50,000 सर। मीन्स पहले कॉस्ट क्या हो जाएगी सर? 4,50,000 रुपये। सर माइनस कर दूँ उसमें से 50,000 में सेम, और डिवाइड कर दूँ सर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। मीन्स सर अब मेरे पास लाइफ 5 साल नहीं है सर, मैं 1 साल यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो ईयर वन में अब मेरे पास लाइफ कितनी बचेगी सर? 4 साल लाइफ बचेगी। तो सर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, सर 4,50,000 माइनस 50,000 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, कितना है सर मेरा पर ईयर डेप्रिसिएशन? 1 लाख रुपीज़। तो सर इसी तरीके से ईयर थ्री में करेंगे तो भी सेम आएगा सर। ईयर थ्री में करते हैं तो सर ईयर थ्री में हमारे पास अब 4,50,000 कॉस्ट नहीं है सर, अब हमारा कितनी कॉस्ट है सर? 1 लाख माइनस करने के बाद 3,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय सब लाइफ, पहले से कितनी थी हमारे पास? 4 साल लाइफ थी, अब कितनी साल बची होगी सर? हमारे पास 3 साल लाइफ बची होगी, तो 3 लाख हमारे लिए क्या बन गया सर? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय 3 सर, कितना आया? 1 लाख। ईयर फोर में गए सर हम लोग, तो 3.5 लाख माइनस 1 लाख तक कितने आ गया हमारे पास? 2 लाख रुपये। 2,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय, अब सर लाइफ कितनी बची हमारे पास? 2 साल, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो कितना आया सर हमारा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 लाख रुपये। देन ईयर फाइव में हमारे सर, अब सर हमारे पास कॉस्ट कितनी बची सर? 2.5 लाख में से सर अगर मैं 1 लाख माइनस कर दूँ तो कितना बचा हमारे पास अमाउंट? 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 1, तो सर कितना है हमारे पास अमाउंट? 1 लाख रुपये। सर ये 1 लाख की मेरे लिए क्या होगी सर? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा। मीन सर ओवर द पीरियड मैंने सर स्ट्रेट लाइन पे क्या करी सर? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर मैंने क्या किया? इनकर्ड किया। मैं सिस्टमेटिकल एलोकेशन करूँ तो सर मेरे 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके सर 5 साल में एसेट को क्या करूँगा? यूज़ करूँगा। और सर मेरे पास यूज़ होने भी कितने थे सर? 4 साल, 5 सालों के अंदर 5 लाख यूज़ होने थे, बाकी 50,000 क्या बची होगी सर? कॉस्ट बच जाएगी। तो सर अगर इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ अपने चार्ट में, तो सर हमारे पास कॉस्ट कितनी थी सर? लेट से बात करूँ अगर, तो सर कॉस्ट मेरे पास थी लेट से 5,50,000। ईयर वन में इसको डेप्रिशिएट किया मैंने 1,000 1 लाख, ईयर टू में इसको डेप्रिशिएट किया 1 लाख, स्ट्रेट लाइन पे करूँ तो ईयर थ्री में सेम होगा, ईयर फोर में सेम सर, ईयर फाइव में भी सेम। तो सर अगर मैं देखूँ तो सर टोटल डेप्रिशिएट किया कितना सर मैंने? 5 लाख सर, 5 लाख माइनस करते हैं सर कॉस्ट में से, अगर माइनस कर दें हम लोग ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? 50,000 रुपये। तो 50,000 वो जो बचना था हमारे पास 5 साल के एंड पे। तो सर इसी को मैं क्या कहूँगा अपने लिए? WDV मीन्स रिटन डाउन वैल्यू, और इसको सर मैं बोल सकता हूँ CA मीन्स कैरिंग अमाउंट। तो सर अगर मैं WDV फाइंड करने लगा हूँ, तो सर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि यार कॉस्ट में से अगर मैं उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करवा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? WDV मिल जाएगी। तो जैसे हम लोग यहाँ कर रहे थे, तो कॉस्ट में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करवाए तो हमें क्या मिल रहा था सर? ये 4,50,000 रुपये, ये इसकी सर WDV मिल रही थी हमें सर। WDV में से अगर दोबारा से कॉस्ट माइनस करवाता हूँ, तो मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करवाऊंगा, मुझे क्या मिल जाएगी सर? WDV मिल जाएगी। मीन सर जिस तरीके से हम कॉस्ट में से उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करवाते जाएंगे, हमें क्या मिलती जाएगी सर? WDV मिलती जाएगी। अब सर हमने कॉस्ट में से उसकी सारी डेप्रिसिएशन माइनस करवाई, तो हमें क्या मिल गई सर? WDV मिल गई, या कैरिंग अमाउंट मिल गया। और WDV मीन सर रिटन डाउन वैल्यू। उसके बाद सर अगर मैं बोलूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास लाइफ चेंज हो जाती है, या ईयर वन के बाद आके सर मैंने ईयर वन यहाँ देख ख़त्म किया था हमने, तो ईयर वन के बाद सर मैं आया ईयर टू पे, तो सर मैंने ऐसा काम किया कि यार मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर सर लाइफ वाइफ चेंज होती है, कोई भी चीज़ चेंज होती है, ये एक मिनट सर, इसके लिए एक और फार्मूला था हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करने के लिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला है, फार्मूला नंबर टू सर, वो क्या है हमारे पास रेट करने का। तो सर वन डिवाइडेड बाय एन, सर एन मेरे लिए क्या है, सर एन मेरे लिए एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है सर। तो सर अगर जैसे सवाल में कर रहे थे सर 5 साल लाइफ थी हमारे पास, तो वन डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू सर 20%। तो सर इसको हम क्या करेंगे सर डेफिनेशन फाइंड करने के लिए, हमेशा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो सर यहाँ पहले साल कितनी थी कॉस्ट है हमारे पास, 5,50,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो सर अगर मैं 5 लाख का 20% लगाता हूँ तो सर कितना आएगा हमारे पास, 1 लाख। मीन सर ये भी इस तरीके से अमाउंट क्या आएगा, सेम आएगा। तो सर मैं बात कर रहा था सर मेथड नंबर थ्री की, फॉर एग्जांपल कि यार अगर हमारे पास कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है, मीन्स मेरी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ चेंज हो जाती है या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं सर रिमेनिंग वैल्यू का फार्मूला सर हमारे पास अगर है, रिमेनिंग वैल्यू का अगर कुछ चीज़ बचती है हमारे पास, रिमेनिंग वैल्यू फार्मूला, अब सर एक कंडीशनल फार्मूला है कि मतलब कंडीशनल मतलब फॉर एग्जांपल अगर सर आपके पास कोई रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रही है, अगर आपके पास चेंज आ रहा है किसके अंदर, रेजिडुअल वैल्यू के अंदर, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपके पास चेंज आ रहा है किस में, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ के अंदर, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास लेट से कोई चीज़ इम्पेयरमेंट होती है या रिवोल्यूशन वगैरह होती है, जब यूज़ कर सकते हैं सर इम्पेयरमेंट या रिवोल्यूशन। सर अभी हमने इन दोनों का नाम सिर्फ नाम लिखा, अभी तक हमने पढ़ा नहीं है इसको, हमने ये दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, रेजिडुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो सर फार्मूला क्या होगा, सर फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा कि WDV माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो ये भी ऑब्वियसली बात से एक्सपेक्टेड होगी हमारे पास। तो सर अगर मैं देखूं कि यार मेरे पास अगर मैं ईयर टू पे बात करूं सर, मेरे पास लाइफ कितनी थी सर 3.5, कॉस्ट कितनी थी मेरे पास सर यहाँ पर WDV 4.5 लाख। तो सर मैंने देखा कि यार 4.5 लाख मेरे पास WDV बची है, लेकिन मेरी जो है रेजिडुअल वैल्यू, मैंने एक साल में उसको इतने गंदे तरीके से यूज़ कर लिया अपने एसेट को, कि अब दुकानदार बोल रहा है कि यार इसको आपको ये दे के कुछ भी नहीं मिलेगा साल के आखिर में। तो मैंने कहा मीन्स यार इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई, और लाइफ भी इसकी क्या कर दी हम लोगों ने, कम कर दी, मीन्स इतने गंदे तरीके से यूज़ किया इसको। तो सर इसकी लाइफ अब कितनी बची सर, 4 साल के बजाय 3 साल बची है। तो सर अगर मैं देखूँ 4 लाख, 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ तो सर मैं कितना अमाउंट आएगा, 1.5 लाख। मीन्स अब इसको मैं 3 सालों के अंदर क्या करूँगा, एलोकेट करूँगा 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख करके सर ये पूरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, सिस्टमेटिकली एलोकेट हो जाएगी। अगर आपके पास चेंज आता है किसके अंदर, रिमेनिंग वैल्यू में, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के अंदर या रेजिडुअल वैल्यू के अंदर, या कोई इम्पेयरमेंट होती है या रिवोल्यूशन होता है जब। तो ये मेथड नंबर वन था हमारे पास। अगर सर हम बात करें मेथड नंबर टू की, सर मेथड नंबर टू पर हम बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। सर मेथड टू था हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको हमने इन शॉर्ट नाम दिया था RBM। अगर सर मैं इसके दूसरे नामों की तरफ बात आऊँ तो सर इसको हम डिक्लाइनिंग मेथड भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, इसके अलावा सर इसको WDV मेथड भी बोलते हैं, मीन्स इसके बहुत सारे नाम हैं। अब सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो मीन्स रिड्यूसिंग से सर समझ में आ रहा है कि रिड्यूस हो रही है कोई कॉस्ट हमारी। तो सर अगर इसके मैं सिर्फ ग्राफ की बात करूँ तो सर ग्राफ किस तरीके से बन रहा होगा इसका,
मीन्स सर ये कॉस्ट क्या हो रही होगी सर, डिक्लाइन हो रही होगी। मीन्स सर जिस तरीके से मैं इसको आज यूज़ कर रहा हूँ, जितना मैं आज यूज़ करूँगा नेक्स्ट टाइम में इससे क्या कर रहा हूँगा, मैं कम यूज़ करता जा रहा हूँगा। मीन्स सर यहाँ मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ मेरे लिए एक्सपेंस क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। मीन्स जिस तरीके से सर हम लोग इसको यूज़ करते जाएंगे, हमारा सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो सर इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं फॉर्मूले से। इसका आर इज इक्वल टू, सबसे फॉर्मूला होगा आपका आर इज इक्वल टू 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट 1 डिवाइडेड बाय n। सर इसमें हमें सर 1 पता है क्या है सर, रेजिडुअल वैल्यू की सर जो हमने फाइंड कर चुके हैं पीछे, कॉस्ट में पता है सर क्या होती है, n भी हमें पता है कि एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। तो सर सवाल हम वही लेते हैं अपने पास कि यार हमारे पास लेट से कॉस्ट है 5,50,000, सर मेरी रेजिडुअल वैल्यू है सर मेरे पास 50,000, और सर मेरी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है सर लेट से, या मेरे पास एन, इसको हम बोल सकते हैं सर एन है मेरे पास लेट से 5 साल के लिए। तो मुझे इसको एलोकेट करना है, तो सर यहाँ मैं इसको 1 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 1 डिवाइडेड बाय 5। तो सर इसको मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ, 1 माइनस, तो सर आंसर मेरे पास आया सर 38.096। राउंड ऑफ कर लिया सर हमने, आगे भी चलता रहा आराम से। तो सर मेरे पास आर क्या फाइंड हो गया सर, मेरे पास 38.096%। तो सर इसके अंदर जब ये फॉर्मूला हमने बनाया तो सर इसके अंदर रेजिडुअल वैल्यू का इम्पैक्ट भी आ रहा होगा, इसमें कॉस्ट का इम्पैक्ट भी आ रहा होगा, इसमें लाइफ का भी इम्पैक्ट आ रहा होगा। मीन्स सर ये रेट कितने सालों के लिए एलोकेट होगा सर, 5 सालों के लिए बात होगी, क्योंकि सर ये रेट ही निकला था 5 साल को रखते हुए, 50,000 रेजिडुअल वैल्यू रखते हुए और 5,50,000 कॉस्ट रखते हुए। तो सर अगर मैं फाइंड करूँ मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो सर मैंने रखा है यहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। तो सर पहले साल तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे रेट लगाएंगे। सर इसमें क्या होता है हमेशा सर कॉस्ट पे या डब्ल्यू पे रेट लगता है। तो पहले साल हमारे कॉस्ट कितनी सर, 5,50,000। सर इस रेट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास, हम लोगों ने इसमें रेजिडुअल वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर चुकी है, तो हमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर इसमें डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 0.38096। तो सर इसका मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड कर लूँ कितना आएगा सर, 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.38096। सर मेरे पास 2,09,528। अब सर हमें करना क्या है सर इसके अंदर, हमें इस कॉस्ट में से इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। मीन्स सर अब सेकंड ईयर से जब भी रेट लगेगा वो किस पे लगेगा सर, WDV पे। WDV क्या होती है सर, कॉस्ट में से उसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा सर हमें, WDV मिल जाएगी, WDV। तो सर हम क्या करते हैं, 5,50,000 में से सर माइनस करते हैं 2,09,528। कितना फाइंड हो गया सर, 5,50,000 माइनस 3,40,472। अब सर इस पे रेट लगेगा कितना, 0.38096। तो सर इस पे रेट लगाते हैं 0.38096। तो सर ये एक्सपेंस कितना है मेरे पास, 129,706। देन सर ईयर 3 में सेम होगा सर, WDV पे रेट लगेगा। तो सर कॉस्ट कितना सर, WDV कितनी है बस ये, इसमें सर इसकी डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस करवा देते हैं। तो न्यू WDV मिल जाएगी हमें, तो 3,40,000 माइनस 3,40,472 माइनस आंसर
कितना बचा हमारे पास, 2 लाख, या ब्रैकेट में पहले वर्किंग करने से 3,40,472 -129,706 इज इक्वल टू 210,766। तो इस पर रेट लगाते हैं 0.38096 इज इक्वल टू 80,293। सही, एयर फोर में आते हैं। सही है, मेरे लिए कॉस्ट बन गई नहीं, इस पर रेट लगाया, मैं WDV पे रेट लगाया सर। इसमें सब क्या करेंगे, इसको माइनस करवा देते हैं कि 210,766 -80,293, तो सर 210,766 माइनस मिल गया था हमें 1,30,473 मल्टीप्लाई बाय 0.38096। तो इस पर रेट लगा देते हैं 0.38096। सही आया हमारे पास 49,705। 1,30,473 माइनस 49,705 आया हमारे पास 80,768 मल्टीप्लाई बाय 0.38096। कितना गया पर 30,769। सही, इसको हम प्लस कर लेते हैं सर सबको। 209,528 प्लस 1,29,706 प्लस 80,293 प्लस 49,705 प्लस 30,769। सही बन गया, 1 रुपये ऊपर आ रहा है सर, लेकिन मसला नहीं है क्योंकि रेट हमने राउंड किया था। तो कितना आया मेरे पास सर, 5 लाख। पहले इसको एड कर लें आप, तो ये 5 लाख आया अमाउंट। मीन सर ये मेरे लिए क्या था, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट था, मीन्स मुझे इतना ही डेप्रिशिएट करना था। तो सर इस रेट के अंदर हमने पहले बात की कि सर रेजिडुअल वैल्यू और कॉस्ट इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, लाइफ इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, तो ये अमाउंट बिल्कुल सेम आएगा। तो सर 5 लाख की आ गई सर मेरे लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो सर इसको यहाँ ऊपर पुट कर लेते हैं हम लोग अपने चार्ट में। पांच लाख 50,000। पहले साल हमने ज्यादा डेप्रिशिएट किया, 209,528। उसके बाद सर 1,29,706, देन उसके बाद सर 80,293, 49,705, 30,768। सर इन सबको प्लस करेंगे तो कितना बन गया हमारे लिए, 5 लाख। तो कॉस्ट में से हम इसको माइनस कर देते हैं, मिल जाएगी रिजल्ट वैल्यू, या इसको हम ईयर एंड पे तो हम बोल सकते हैं WDV। एक अमाउंट सर थर्ड में, अब सर तीसरे मेथड की बात करते हैं, थर्ड की सर SYDM सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड। तो इसके लिए भी सर कॉस्ट हम सेम रखते हैं सवाल के लिए।
सर इसमें हम आते हैं यहाँ पे, नंबर थर्ड पे, नंबर सही है, सबसे आसान मेथड है डेप्रिसिएशन का। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर बात करूं, सर मेरे पास वही सब चीज़ें सेम रहेंगी, कॉस्ट मेरे पास है कितनी, सर कॉस्ट मेरे पास लेट्स से 5,50,000, प्रेजेंट वैल्यू सर मेरे पास 50,000, और सर मेरे पास लाइफ क्या है सर, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ हमारे पास सर। इसमें हम कैसे फाइंड करते हैं सर, इसमें रेट कैसे फाइंड होगा? तो सर इसका रेट का फार्मूला है, रेट का फार्मूला क्या है, मुझे अपनी जितनी भी लाइफ है सर उसको सम करना है। मीन्स सर मैं देखूँ सर पहले साल मेरे पे लाइफ कितनी है सर, 5 साल, उसमें सर उसके बाद सर कितनी लाइफ बचेगी सर, 4 साल लाइफ बचेगी, उसके बाद सर 3 साल लाइफ बचेगी, फिर 2 साल लाइफ बचेगी, फिर 1 साल लाइफ बचेगी, इनको क्या करना है मुझे सर, प्लस करना है सबको। अगर इन सबको मैं प्लस करता हूँ, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 सर 15। मीन सर टोटल जो मेरे पास अमाउंट होगा सर, जो अमाउंट होगा सर कितने हिस्सों के बराबर होगा सर, 15 हिस्सों के बराबर होगा। मीन सर इसको प्रपोर्शन में तोड़ना है हमें। तो सर इसका फार्मूला अगर मैं देखूँ तो सर वही फार्मूला हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करने का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो सर इसको रेट की सप्लाई करेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, तो सर यहाँ पे मैंने देखा कि यार ईयर 1 में मेरे पास कॉस्ट कितनी है, मेरे पास 5,50,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट। सर रेट हमारे पहले साल के सर लाइफ कितनी सर, कितने हिस्सों के बराबर सर टोटल अमाउंट जो आएगा डेप्रिशिएबल, 5 लाख रुपये सर, ये 15 हिस्सों के बराबर है। और सर हमें कितने हिस्से चाहिए सर, सिर्फ और सिर्फ 5 हिस्से डेप्रिशिएट करने हैं इस साल के अंदर। तो सर अगर मैं 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 15 करें सर, तो कितना आ रहा है हमारे पहले साल के लिए, 1,66,667। अगर सर हम सेकेंड ईयर की बात करूँ तो सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेप्रिशिएबल अमाउंट तो सर सेम रहेगा, मीन सर ये चीज़ें सेम रहेंगी हमारे पास। सर इसको सर मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ में 4 / 15 से। तो सर अगर ये 5 लाख को डिवाइड करवा दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से और डिवाइड करवा दूँ 15 से, तो कितना आ गया सर ये, 1,33,333। देन सर ईयर 3 की बात करूँ तो सर मेरे पास ये 1,500 के बराबर है कॉस्ट है, और 3 हिस्से क्या आएंगे सर इसमें ऐड होंगे, तो सर इसको मैं 3 से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो कितना आया मेरे पास सर, 100,000। देन उसके बाद सर 2 से करना है सर हमें, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 / 15। अमाउंट सब चीज़ें सेम रहेंगी सर मेरे पास, डेप्रिशिएबल अमाउंट सेम रहेगा सर। टोटल 1,500 के बराबर हमें कितने से चाहिए सर, 2 हिस्से चाहिए सर। तो सर ये कितना आ गया, 66,667। और सर ये किस में हो जाएगा सर, 1 हिस्से के बराबर होगा, तो 1 / 15 सर कितना है हमारे पास, 33,333। सर इसको मैं सम करूँ तो सर कितना बन गया हमारे पास, ये पूरा 5 लाख सर। तो ये भी इसको देखा जाए तो सर ये रिड्यूस ही कर रहा है सर डेप्रिसिएशन सर, पहले साल सबसे ज़्यादा, उसके बाद और कम, थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम। सर इसका भी सर ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे हमने आरबीएम के ने बनाया था डाउनफॉल में। तो सर इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पुट कर लेता हूँ वहाँ पर।
166, ये 67,000, फिर 133,000, 333, उसके बाद सर 1,00,000, देन उसके बाद सर 66,000, 667, देन 33,000, 333, तो कितना हो गया टोटल, ये 5,00,000, हमें डब्ल्यू डी मिल गया कितनी, 50,000। सही है, बेस करते थे किससे सर, प्रोडक्शन से, सॉरी टाइम बेस से बेस करते थे। सेकंड कौन सा है सर, प्रोडक्शन बेस। तो सर इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।